आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि खड़े होकर पेशाब करने से क्या क्या नुकसान है। ये खड़े होकर पेशाब करने से पुरुषों का जो संभोग का जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है, पहली चीज़। बल्कि जो लोग बैठकर पेशाब करते हैं उनका जो परफॉर्मेंस है संभोग के दौरान उनका टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि खड़े होकर पेशाब करने से मूत्राशय सही से खाली नहीं हो पाता है और ऐसा बार बार होने से प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होने लगती है। खड़े रहकर पेशाब करने से हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी है उस पर भी अफेक्ट आता है। खड़े रहने के पेशाब करने का तरीका एक्चुअली में खराब होता है। खड़े होकर पेशाब करने से रज तम तरंगे इकट्ठा होकर नीचे पैर की तरफ बढ़ने लगती है। पैरों में नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होने के कारण पाताल से निकलने वाली कष्टदायक तरंगे पैरों के रास्ते शरीर में तेजी से आ सकती है। यह जमीन से जुड़ी काली शक्तियों के प्रवाह को भी सक्रिय कर देता है, जो किसी आदमी के पूरे शरीर को रज तम तरंगों से भर देता है। ये मैं धार्मिक विचारधारा पे भी लेके जा रहा हूं आपको। ये जो पूरा जो लेख है वो डेली कंडक्ट एंड द साइंस अंडरलाइंग इट्स एक्ट में लिखी भी गई है। इवन जो टॉयलेट पेपर होता है वो भी सात्विक नहीं होता है। शौच के बाद पेपर की बजाय पानी का इस्तेमाल करना ही बेहतर रहता है। टॉयलेट पेपर सात्विक नहीं होता है, यह पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा होता है, इसलिए शौच के बाद यह मल में मौजूद पृथ्वी तत्व से जुड़े रजतम तत्वों को नष्ट नहीं कर पाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।